हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में सटीक बाय परमार से। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में दोस्तों पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। और इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस आर प्लस एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ना सब्जेक्ट, इसके बाद इज आर एम, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम घर जा रहा है तो उसके क्या बनेगा दोस्तों? राम इज, राम के साथ में इज लगेगा, गोइंग टू होम, राम घर जा रहा है, राम इज गोइंग टू होम, है ना, राम इज गोइंग टू होम। तो अगला देखिए, अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो किसे बनाएंगे? तो अफर्मेटिव वाक्य, अगर नेगेटिव बनाना है तो इसके बाद नॉट लग जाएगा, राम इज नॉट गोइंग टू होम, राम घर नहीं जा रहा है। अगर इसी का अपन इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? इज पहले आ जाएगा, इज राम गोइंग टू होम। ये मैंने आपको तीनों बता दिया, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तीनों वाक्य बना के बता दिए एक वाक्य के, कि एक वाक्य तीनों तरह से बन सकता है। इसी तरह वह बाजार जा रही है तो वह कौन है? लड़की है, शी। अब शी के साथ में क्या लगेगा दोस्तों? इज लगेगा, शी इज गोइंग टू मार्केट। कहाँ जा रही है? बाजार। ऑब्जेक्ट क्या है? वो बाजार जा रही है ना। अब नेगेटिव बनाना है तो अफर्मेटिव हो गया, अगर नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? वो बाजार नहीं जा रही है तो शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट, वो बाजार नहीं जा रही है, शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट, वो बाजार नहीं जा रही है। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो प्रश्नवाचक बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ये इज पहले आ जाएगा, इज सी गोइंग टू मार्केट, इज सी गोइंग टू मार्केट, वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, पीछे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस तरह गोपाल आम खा रहा है ना, गोपाल क्या खा रहा है? आम खा रहा है। तो गोपाल, जब गोपाल में जी वर्ड आएगा, गोपाल एक वचन है इसलिए इज, गोपाल इज ईटिंग, ई ए टी आई एन जी, ईटिंग मैंगो, वो क्या खा रहा है? आम खा रहा है, गोपाल इज ईटिंग मैंगो। अब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? ये तो अफर्मेटिव था, गोपाल आम नहीं खा रहा है, तो गोपाल is not eating mango, गोपाल इज नॉट ईटिंग मैंगो। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाने तो क्या बनाएंगे? प्रश्नवाचक बनाना है तो इज पहले आ जाएगा, इज गोपाल, अब गोपाल में जी बढ़ाएगा क्यों, नाम है इसके, इज गोपाल ईटिंग मैंगो, क्या गोपाल आम खा रहा है, क्या गोपाल आम खा रहा है, इस गोपाल ईटिंग मैंगो, क्या गोपाल आम खा रहा है। राधा उज्जैन जा रही है, तो इस तरह से आप बड़ी अच्छे से समझ गए होंगे वाक्य को।
हवापुड़ी आचरण से बना सकते हैं। देखिए राधा उज्जैन जा रही है तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, देखो अफर्मेटिव बनाएंगे राधा, डी एच ए, राधा एक वचन है इसलिए राधा इज गोइंग टू उज्जैन, राधा गोइंग उज्जैन जा रही है। अगर नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, राधा उज्जैन नहीं जा रही है नेगेटिव में, तो राधा इसके बाद नॉट आ जाएगा, राधा इज नॉट गोइंग टू उज्जैन, राधा इज नॉट गोइंग टू उज्जैन। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, तो अगर आप प्रश्नवाचक बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखो प्रश्नवाचक बनाने के लिए जो सहायक क्रिया है ना इसको पहले लाएंगे, है ना। किसी भी वाक्य को अगर इंट्रोगेटिव बनाने प्रश्नवाचक बनाएंगे तो जो इसकी जो सहायक क्रिया मैंने बताई ना आपको, ये अगर इज लग रहा तो इसको पहले लाएं, आर लग रहा तो इसको पहले लाएं, एम लग रहा तो इसको पहले लाएं, है ना, बाकी से वैसे ऐसे, ये तीनों जो सहायक क्रिया है इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, ये सहायक क्रिया है तीनों, इज आर एम, तो इनको पहले लाए, इनको क्या करें पहले लाए, तो अब इसकी जो सहायक क्रिया ये है तो इसको पहले लाएंगे तो आई कैपिटल आ जाएगा इस राधा, अब राधा किसी का नाम है तो ये कैपिटल आएगा, किसी का भी नाम लिख सकते हो, तो आर ए डी एच ए, इस राधा गोइंग गोइंग टू उज्जैन ऐसे। और ये प्रश्नवाचक है इसलिए पीछे क्वेश्चन मार्क लगे, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हो तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है ना। अगला लास्ट वाक्य देखिए, मैं आगरा जा रहा हूँ, अब मैं के लिए क्या होगा दोस्तों, आई लगेगा, है ना, अफर्मेटिव में क्या लगेगा, साधारण वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस में आई, अब आई के साथ में एम, आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूँ, फुल स्टॉप लगाएंगे पीछे, है ना। अब नेगेटिव क्या होगा, मैं आगरा नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम, एम के बाद नॉट आ जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू आगरा, आई एम नॉट गोइंग टू आगरा, मैं आगरा नहीं जा रहा, ठीक है। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए इंट्रोगेटिव बनाया तो ये एम पहले आ जाएगा, ये जो इसकी सहायक क्रिया ना ये पहले आ जाएगी, तो एम आई गोइंग टू आगरा, एम आई गोइंग टू आगरा, और पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, एम आई गोइंग टू आगरा, क्या मैं आगरा जा रहा, पीछे क्या लग जाएगा इसका प्रश्नवाचक लग जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ वाक्य, और वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस तरह के वाक्य हमारे चैनल पे बहुत सारे बने हुए हैं, आप वहाँ बड़े आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।